नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके न्यूज पर। दोस्तों, ओडिशा के जंगलों में घूम रहे एक शौकिया फोटोग्राफर ने बेहद ही दुर्लभ प्रजाति के बाघ की तस्वीरों को कैमरे में कैद किया है। इस बाघ का रंग काला था, जो सामान्य बाघों से बिल्कुल अलग है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बाघ की ये प्रजाति मेलानिस्टिक टाइगर कहलाती है, जो विलुप्त होने के कगार पर है। पूरे राज्य में इस तरह के बाघों की संख्या केवल 7 से 8 ही बची है। बता दें कि दुनिया भर के काले रंग के बाघों की 70% आबादी ओडिशा में ही रहती है। मेलानिस्टिक टाइगर के शरीर पर काले रंग की धारियां जेनेटिक डिफेक्ट के कारण आती हैं। इस दुर्लभ प्रजाति के बाघ भारत में केवल ओडिशा में ही पाए जाते हैं। हालांकि इन बाघों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। 2018 की टाइगर सेंसस रिपोर्ट बताती है कि काली धारी वाले बाघों की संख्या काफी तेजी से कम हुई है। गौरतलब है कि पिछले साल फरवरी में ओडिशा के नंदन कानन में पश्चिम बंगाल के रहने वाले सोमेन बाजपेयी बर्ड वॉचिंग कर रहे थे। जंगल में पेड़ों पर सोमेन कई तरह के पक्षियों और बंदरों को देख रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक बाघ को देखा, जो सामान्य बाघ की तरह नहीं था। सोमेन को इससे पहले मेलानिस्टिक टाइगर के बारे में कुछ नहीं पता था। सोमेन ने तुरंत अपने डिजिटल कैमरे में इस दुर्लभ बाघ की तस्वीरों को कैद कर लिया। फिलहाल इस ब्लैक टाइगर की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। बता दें कि पहली बार साल 1993 में ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में मेलानिस्टिक बाघों की उपस्थिति की सूचना मिली। कैमरा ट्रैप से एकत्र किए गए डेटा के मुताबिक आज भारत में केवल 7 से 8 मेलानिस्टिक टाइगर मौजूद हैं।